गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स मी रेनू तंबोली फ्रॉम लाल पब्लिक स्कूल. तो चिल्ड्रन, एज यू नो दैट वी हैव डन लेसन नंबर वन. नेम ऑफ दिस लेसन इज द सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू असाइनमेंट ऑफ दिस लेसन. ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज हियर. मेक एट वर्ड्स यूजिंग दीज लेटर्स. दैट मीन्स ये जो लेटर्स दे रखे हैं ना, ये डी ए एफ एम आर ई ओ यू सी आई, इन सारे लेटर्स का यूज करके आपको नए वर्ड्स बनाना है. ऐसे नहीं है कि मैम ई से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड बनाना है. नहीं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को. जो भी लेटर्स दे रखे हैं इन सबको मिलाकर कौन कौन से नए वर्ड्स बन सकते हैं. ठीक है, तो पहला देखो क्या बनता है. डी ओ डू, देखो डी और ओ को मिला के डू बना. सेकेंड वर्ड पे आ जाओ, सेकेंड वर्ड बन जाता है ई ए आर, ईयर. ठीक है, थर्ड पे आ जाओ आर ई डी, रेड. ठीक है, फोर्थ आ जाओ सी यू आर ई, क्योर, मतलब इलाज, इलाज करना. ठीक है, फाइव नंबर पे आ जाओ एफ ओ यू आर, फोर. ठीक है, मतलब जो काउंटिंग वाला फोर होता है वो. सिक्स पे लिखो डी डबल ओ आर, डोर. ठीक है, और सेवन पे लिख लो आप एम ए आर ई, मेयर. ये क्या होता है, जो हॉर्स होता है ना उसका जेंडर होता है मेयर. ठीक है, एट नंबर लास्ट लिखोगे डियर, डी ई ए आर, डियर. ठीक है, डियर बन रहा है ना. ये सारा आपको अपना माइंड का यूज करके फिर ये वर्ड्स बनाना है. ठीक है, देखो फर्स्ट इज डू, मतलब करना. ईयर, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी. रेड, इट्स अ कलर नेम. क्योर, मतलब इलाज. फोर एफ ओ यू आर, फोर डोर, डी डब्ल्यू आर, डोर. मेयर, एम ए आर ई, एंड द लास्ट वर्ड इज ईयर, डियर, डी ई ए आर, डियर. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अबाउट अनस्क्राइबल्स द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. दैट मीन्स जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं. नंबर वन देखो क्या है. स्ट्रेट, मेक, लाइन, अ. ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, अनस्क्राइबल्स वर्ड्स, मतलब उल्टे पुल्टे वर्ड्स है, इनको अरेंज करके सेंटेंस बनाना है. बिफोर स्टार्ट टू डू इट, लेट मी क्लियर वन थिंग, विच इज क्या है वो, कि पहला सेंटेंस का जो वर्ड होगा, लेटर होगा, वो कैपिटल होना चाहिए. सारे जो वर्ड से प्रॉपर ऑर्डर में अपने को क्या करना है, लिखना है, और सेंटेंस एंड होने के बाद में फुल स्टॉप लगाना है. गेटिंग माई पॉइंट. देखो सबसे पहले क्या आएगा, एम ए के ई, मेक, कैपिटल में लिखा है एम. ठीक है, मेक अ स्ट्रेट लाइन, मतलब फुल स्टॉप, सीधी लाइन खींचो. मेक अ स्ट्रेट लाइन. अ रोप, थीम, दिस इज, रोप मतलब रस्सी. क्या होगा, दिस से स्टार्ट करोगे, टी एच आई एस सी, दिस, कैपिटल में टी, इज, दिस इज अ थिन रोप, यहाँ एक पतली रस्सी है, रोप मतलब रस्सी. नंबर थर्ड पे आ जाओ, कार्ड, रिपोर्ट, योर इज हियर. कहां से स्टार्ट होगा, हियर, योर, वाई से स्टार्ट होगा, वाई ओ यू आर, योर रिपोर्ट कार्ड इज हियर, देन फुल स्टॉप. योर रिपोर्ट कार्ड इज हियर, मतलब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पे है. द ड्राइव स्लोली कार, तो उसका कैसे सेंटेंस बनेगा मीनिंगफुल, ड्राइव द स्लोली कार, फुल स्टॉप. धीरे ड्राइव करो अपनी कार को, धीरे ड्राइविंग करनी चाहिए हमें. ठीक है, ज्यादा फास्ट कार मत चलाओ. इज फार्म हाउस और दैट, कहां से स्टार्ट होगा, दैट से, कैपिटल में लिखना है टी, दैट इज अ फार्म हाउस. ठीक है, फुल स्टॉप. समझ में आया. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट. फर्स्ट इज मेक अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाओ.
दिस इज अ थिन रोप, यहाँ एक पतली रस्सी है. देखो पहला वर्ड कहां से शुरू किया है मैम ने, कैपिटल लेटर से लिखा है, मेक में एम कैपिटल, ठीक है, फिर दिस में एट टी कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप, जो डॉट दिख रहा है उसे फुल स्टॉप कहते हैं. अगर ये फुल स्टॉप आपने एग्जाम में नहीं लगाया तो आपका वो सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगफुल नहीं माना जाएगा. योर रिपोर्ट कार्ड इज हियर फुल स्टॉप, ड्राइव द स्लोली कार फुल स्टॉप, दैट इज अ फार्म हाउस. समझ में आया, अंडरस्टूड? सो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास. In this, we will discuss about PDF work which is related of this lesson in our next class. Till then, see you soon. Take care of self. Stay happy. Stay safe at your home. Bye-bye.